माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों के इसराइल में तीर्थ यात्रा का तीसरा दिन हम लोग ताबोर पहाड़ से नीचे उतर करके सीधा नासरत की ओर जा रहे हैं। हमें मालूम है नासरत में माता मरियम रहती थी, संत जोसेफ का घर भी वहां है, और उस नासरत एक पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ हमें मिलेगा पहाड़ों पर घर बसाया हुआ, और उसके बीचों बीच में ये माता मरियम का रहने का और संत जोसेफ का रहने का वो जो घर है वहां पर दो बड़ा चर्च, बेसिलिका ऑफ अनंसिएशन, माता मरियम को स्वर्गदूत का जो संदेश देने वाला ये जो बेसिलिका चर्च जो है, यहाँ का होली लैंड का सबसे बड़ा चर्च है। अभी जो दिख रहा है वो 1969 में, 1969 में ये बन करके पूर्ण हुआ था। इसका मतलब सेकंड वेटिकन काउंसिल के तुरंत बाद ये चर्च फंक्शन में आया था। जैसे इतिहास है होली लैंड का, जहां माता मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल का संदेश मिला, उस पवित्र स्थान पर आदिम काल से ही चर्च का निर्माण हुआ था, वहां भक्तजन प्रार्थना करते थे, और इस नासरत में भी अनेकों क्रिश्चियन फैमिलीज संदेश शुरू हुआ था। लेकिन आगे चल करके मुस्लिम राजाओं के द्वारा आक्रमण कर सबको तोड़फोड़ करना, इसके बाद बाइजेंटाइन पीरियड में फिर से चर्चेस का निर्माण बाद में फिर से तोड़ना, इसके बाद क्रूसेडेस आना, क्रूसेडेस के द्वारा फिर निर्माण करना, ये सब कहानी नासरत में भी हुआ है। और नासरत का अभी का जो प्रसन्न जो चर्च जो निर्माण हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से बाइबल के वचन के अनुसार एक इटालियन आर्किटेक्ट के द्वारा इसको रूप दिया गया। उनका नाम है गियोवानी मुजियो। गियोवानी मुजियो ने बाइबल के वचन के अनुसार इसका डिजाइन किया, और बाइजेंटाइन एवं क्रूसेडर्स चर्च के ऊपर उन जगहों को उसी प्रकार जो रुइंस जो बाकी रह गया उन खंडहरों को उसी प्रकार रख करके उन्होंने जो ड्राइंग है उसको किया था। और यहां पर इस बेसिलिका ऑफ अनंसिएशन के अलावा एक और अनंसिएशन चर्च मिलेगा, जैसे अनेकों जगहों पर हम लोगों को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स का चर्च मिलता है जो कैथोलिक चर्चों के साथ, उसी प्रकार यहाँ नासरत में भी एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च बेसिलिका जो अनंसिएशन के नाम पर है, वो अपोक्रिफल एक गोस्पल है, गोस्पल ऑफ जेम्स, याकूब का सुसमाचार, वो अपोक्रिफल किताब है, उसके अनुसार माता मरियम जब कुएं से पानी भर रहा था उस समय पर वहां पर
स्वर्गदूत गैब्रियल संदेश सुनाया कर करके लिखा हुआ है। उसके अनुसार जहां माता मरियम पानी भरते थे, पास में ही एक कुआ है, वहां पर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स लोगों ने चर्च बनाया है। लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार जहां पर ये बेसिलिका ऑफ अनन्सिएशन जो बना हुआ है, वहीं पर अर्थात माता मरियम जिस घर में रहती थी उसी घर में उनको स्वर्गदूत का संदेश मिला है और ये बेसिलिका उसी स्थान पर बनाया हुआ है। यदि इस चर्च का फ्रंट में हम देखें, जो फ्रंट जो बनाया हुआ है, टॉप में ईसा मसीह का एक ब्रॉन्ज स्टैचू रखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे उस दीवार पर कार्विंग कर करके स्वर्गदूत का और उसके सामने माता मरियम का अर्थात गैब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश सुनाने का एक कार्विंग में हम लोगों को दिखाई देता है और उसके नीचे चारों सुसमाचार को अर्थात मत्ती मार्कुस लूकस एवं योहन को उनका नाम भी लिखा हुआ है और इन चारों सुसमाचार का जो सिंबल है उसके अनुसार मत्ती का सिंबल मनुष्य का सिंबल, मार्कुस का सिंबल है लायन का, सिंह का सिंबल, और लूकस बेली से संबंधित से इसे बछड़ा का, और योहन का सुसमाचार का चिन्ह ईगल जो है ऊंचाइयों में उड़ता है और जमीन में रेंगने वाला एक छोटा सा प्राणी को भी दिखने का आंख रखने वाली वो निशान यहां पर हम लोगों को दिखाई देता है। और उसके नीचे जो लातीनी भाषा में जो लिखकर के रखा है वो योहन का सुसमाचार अध्याय एक वाक्य 14 का वचन, योहन का सुसमाचार अध्याय एक 14 जॉन चैप्टर 1:14 शब्द देह धारण कर हमारे बीच में रहा, इसका लैतिनी भाषा में वर्बुम कैरो फंक्चुम एस्त एत हाबिता विथ इन नोबिस कर करके द वर्ड वॉज मेड फ्लश एंड डल्ट एमंग अस, ये लैतिनी भाषा में लिख रखा है, शब्द देख धारण कर हमारे बीच में रहा। इस प्रकार एक सुंदर फ्रेंड साइड हम लोगों को मिला है और हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर हम लोगों को दिखाई देता है दरवाजे पर जो लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला जो दरवाजा दिख रहा है उसमें ओल्ड टेस्टमेंट का पुराना विधान का कुछ सिंबल्स वहां दिखाई देता है। वो आदम से लेकर के आदम का सिंबल है, इसके बाद नूह का हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके बाद अब्राहम के विली के विषय में इस प्रकार का चिन्ह के द्वारा दरवाजा बनाया हुआ है और जो सामने दीवार पर जो चिन्ह बनाया हुआ है वो नए विधान का कई घटनाओं को यहां पर अंकित किया हुआ है। और यहां से जब हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर का जो चर्च है दो भागों में है, एक अपर चर्च कहते हैं, दूसरा लोअर चर्च कहते हैं, दो भाग है इसका।
लोअर चर्च के अंदर जहां पर वो गुफा और पुराना बाइजेंटाइन और अन्य समय के चर्च का जो भाग है क्रूसेडर्स चर्च सबका भाग रखा हुआ मिलेगा, और साथ ही साथ जिस जगह पर माता मरियम का घर था जहां पर स्वर्गदूत गैब्रियल ने उन्हें संदेश दिया उस स्थान पर हम लोग उतर करके जाते हैं, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और जो अपर चर्च में अगर हम देखेंगे, अपर चर्च का मेन वेदी के पीछे जो सबसे बड़ा मोसाइक कहा जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोसाइक सीन जो तस्वीर यही ये कहते हैं। कैथोलिक चर्च का जो रूप, जो स्वभाव, जो एकमात्र कलीसिया, जो पवित्र कलीसिया, जो प्रेरिताई कलीसिया, उसको दर्शाता है यहां पर। वो चर्च का रूप को हम लोग यहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। वन होली कैथोलिक एंड अपोस्टोलिक चर्च का वो जो रूप यहां पर इस मोसाइक के द्वारा प्रदर्शित किया है, मेन ऑल्टर के ये जो पीछे साइड में और बगल में भी ऑल्टर्स है। माता मरियम का जो गैब्रियल स्वर्गदूत द्वारा संदेश देने वाला ऑल्टर है, और इस प्रकार उस ऑल्टर जो है के द्वारा इस घटना का आदर सम्मान भी करते हैं। और इस अपर चर्च के एक और खासियत है, पूरे वॉल में देख लीजिए, चर्च वॉल में भिन्न भिन्न माता मरियम का रूप दिखाई देता है। हर कंट्री का अपना कुछ विशेष, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे भारत देश में वेलांकन्नी एक फेमस जगह है जहां पर माता मरियम ने दर्शन दिया था, तो वेलांकन्नी माता का रूप स्टैचू है।
और इस यही बहुत बड़ा एक सुंदरता है पूरे दीवार पर, चाहे मोसाइका हो या सरामिक जो के द्वारा हो, इन रूपों को बनाकर रखा हुआ है। नीचे जो ग्रोटो हम लोगों ने जो देखा, उस ग्रोटो का अल्टर के नीचे भी लैटिनी भाषा में लिखकर रखा हुआ है वर्बुम कैरो हिक फैंक्तुम एस्त कर करके। इसका मतलब है द वर्ड वॉज मेड फ्लैश हियर, यहां पर ईश्वर का वो शब्द देह धारण किया। ये शब्द नीचे वाला जो ग्रोटो है, उस ग्रोटो का जो अल्टर के नीचे लिखकर रखा हुआ, यहां पर स्वर्गदूत संदेश दिया। और माता मरियम ने लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय एक वाक्य 38 बोल करके, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो बोल करके वो गर्भधारण किया। ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द देहधारण बनकर मानव जाति का उद्धार करता, मुक्तिदाता का जो माता मरियम के गर्भ में आने का वो पवित्र स्थान है, इस ऑल्टर का स्थान। और चर्च का एक और खासियत यह है, उसका जो कपोला जो बना हुआ राउंड है उसको कपोला कहते हैं। वो एक लिली फ्लावर का पेटल्स के समान उसको बनाकर रखा है। हमें मालूम है लिली फ्लावर पवित्रता का प्रतीक है। व्हाइट कपोला व्हाइट लिली को दर्शाता है और वो पवित्रता को, किसका, माता मरियम पर स्वर्गदूत उतर करके जो संदेश दिया, उस संदेश में स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर उतरेगी, इस प्रकार गर्भवती होने के विषय में मरियम के उस पवित्रता को दर्शाते हुए स्वर्गदूत का संदेश के अनुसार पवित्र आत्मा मरियम पर उतरने का और उन्हें अधिक पवित्र करने का, उनके गर्भधारण करने का ये चिन्ह यहां पर ये अंकित है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन जो लंबाई में बहुत हाइट में इसको बनाया हुआ है, 50 मीटर्स से ऊपर हाइट है, और जो वर्टिकल स्पेसेस जो बनकर के इसका जो कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है वो यही दर्शाता है स्वर्ग धरती पर उतर आया। स्वर्ग उतरने का मतलब है ईश्वर इस धरती पर उतर आया, उस संबंध को दर्शाने के लिए इस प्रकार जो बनाया हुआ है। और ये जो अपर चर्च में जितना भी क्रूस रास्ता का जो 14 स्थान बनाया हुआ है, जो फोटोस बनाकर रखा हुआ है, उसके नीचे जो लिखा हुआ अरबिक भाषा में उस स्थानों के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो अपर चर्च है, यहाँ नासरत का पारिश चर्च है, यहाँ के भक्तजन, यहाँ के विश्वासी लोग इस पारिश चर्च में यहाँ पर आते हैं। योहन का सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय एक जॉन चैप्टर 1:43 से, दूसरे दिन ईसा गलीलिया जाने का निश्चय किया, उनकी भेंटें फिलिप से हुआ था। फिलिप से ईसा मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बैतसैदा का अंद्रेयस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। और फिलिप वाक्य 45 में 45 में हम लोग पढ़ते हैं, फिलिप नथानियल से मिला और बोला मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं, हमें मिल गए हैं। कौन है वो? वह नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नासरत में रहने वाला यूसुफ का पुत्र है वो ईसा, जिसके विषय में मूसा के संहिताओं और नबियों के द्वारा जो कहा था वो यहां पर पूरा हुआ करके। कल हम लोग ताबोर पहाड़ पर
प्रभु के रूपांतरण के समय पर यही मूसा और नबी एलियस को पाया था, वो पूर्तिकरण को वहां दर्शाया, ये मैंने बोल करके दिया। तब नथानियल एक सवाल करते हैं, नथानियल ने क्या बोला, वाक्य 46, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? तब फिलिप ने उनसे कहा, आओ और स्वयं देख लो। नथानियल ने क्यों कहा, इसका मतलब है ईसा मसीह के उस समय पर नासरत जगह के विषय में लोगों के मन में यह विचार था, यहां कोई अच्छा चीज नहीं हो सकता, क्योंकि बुरी जिंदगी, पाप की जिंदगी जीने वाले लोगों के विषय में। वहीं पर ईसा मसीह रहा था और मसीह का उपस्थिति इस जगह पर होने के कारण, इसका मतलब है ईसा मसीह रहने वाला जगह है नासरत, इसलिए ईसा नासरी, ईसा मसीह का नाम ईसा नासरी लगने का कारण भी ये नासरत है। नासरत में एक और चर्च है, हम कल उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, वो है संत जोसफ। संत जोसफ भी यही कंपाउंड में, यही जगह पर उनका घर है और उनका काम करने वाला जगह। ईसा मसीह बदलेहम में जन्म लिया, इसके बाद वे लोग वहां से मिस्र देश में गया था, क्योंकि राजा हरोद बच्चों को मार डाल रहे थे। वहां से कुछ समय के बाद लौट करके आया, वे नासरत आकर के रहा करके हम लोग पढ़ते हैं। यदि लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 को पढ़ेंगे, लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2, वहां पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। सबसे पहले ईसा मसीह को 40 दिन, जन्म के 40 दिन के बाद मंदिर में अर्पित किया था। उस मंदिर में अर्पित करने के बाद के लिखा है लूक चैप्टर 2:39, प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा करने के बाद वे गलीलिया अपने नगरी नाजरेत लौट गए। इसका मतलब वहां पर ईसा मसीह अपने बाल्य काल में रहता था नासरत में, वो घर कल हम लोग देखेंगे। और उसी प्रकार वाक्य 51 में भी लिखा हुआ है, ईसा उनके साथ 12 साल के उम्र के समय पर नासरत गए और उनके अधीन रहे। इसका मतलब है ईसा मसीह अपने युवा अवस्था में, बाल्य अवस्था में रहने वाला जगह है नासरत। वो जगह हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, जहां संत जोसफ का चर्च बना हुआ है, वहां पर हम लोगों को संत जोसफ, जहां बड़ई का काम करता था, वो जो कारपेंट्री का वो जगह, जहां कार्य करने वाला जो जगह, ये सब हम लोगों को दिखाई देगा। और कल के क्लास के अंदर हम लोग ये भी दिखाएंगे ईसा मसीह के समय पर उस नासरत में अन्य जो घरों का जो खंडहर है, वो भी यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है। एक और बात बताना भूल गया, इस चर्च के कंपाउंड में प्रवेश करते हैं, जो चारों बाउंड्री बाल जो बना हुआ है, वहां पर भी माता मरियम का कई जो फोटोस जो है देश विदेशों से, अन्य अनेकों कंट्रीज से ला करके, जो मोसाइक में या सरामिक टाइल्स में इसको बनाकर रखा हुआ, ये है इस चर्च का एक और सुंदरता। अंदर जो अपर चर्च में भी हम लोगों को दिखाई दिया, चर्च के अंदर इस प्रकार का अनेकों तस्वीर, और बाहर का वो जो बाउंड्री वॉल है, वहां पर भी इस प्रकार का तस्वीर दिखाई देता है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, जहां गैब्रियल स्वर्गदूत माता मरियम को संदेश दिया और माता मरियम ने देख में प्रभु की दासी तेरा कथन मुझ में पूरा हो बोलकर, जो ईश्वर का वचन को ग्रहण कर मांस धारण मरियम के गर्भ में होने वाला उस पवित्र स्थान को हमने देखा। माता मरियम के गर्भधारण, उनके गर्भ में जो बच्चा आया, पवित्र आत्मा का शक्ति सामर्थ्य उन पर उतरने के द्वारा उस जगह को हमने देखा। यहां आने
इस गिरजा को देखने के लिए प्रभु ने जो कृपा दिया, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु का अनुग्रह आशीष हम सबों पर सदा बना रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।